Excuse me, ma'am. Fasten your seatbelt, please. Thank you. परेशान हो? इसमें परेशानी की क्या बात है भला? हर लड़की की जिंदगी में ये दिन तो आता है, और तुम तो खुश नसीब हो गए। अरे अरे अरे, मेरी बेटी तो इतनी बहादुर थी, ये अचानक कमजोर क्यों पड़ गई? नहीं नहीं, बहुत डर लग रहा है, इतनी दूर, और मैं तो तुम जानती भी नहीं, ऐसे में क्या जल्दी थी आपको? बात जल्दी की नहीं है मेरी जान, लड़कियों का मैके से रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है, उस मेहमान जैसा जिसको हम हर वक्त ये कहते रहते हैं कि इस घर को अपना ही घर समझो, लेकिन वो घर उसका होता नहीं है, ये तो उसका नसीब है कि उसका घर कहाँ बनता है, देश में, शहर प्रदेश में। लेकिन अम्मी, एक अजनबी के साथ जिसे मैं जानती तक नहीं, आप सबसे दूर, तो क्या हुआ? ये कोई ऐसी अजीब बात नहीं, अपने इर्द गिर्द ही देखो, ऐसी कितनी औरतें हैं जिन्होंने शादी से पहले अपने शौहर को देखा तक नहीं, उनके बारे में जानती तक नहीं थी, लेकिन अपने वालदैन पर यकीन रखते हुए एक अजनबी के साथ घर बसा लिया, और आज खुशोखुरम जिंदगी गुजार रही, सारी कश्तियां जलाकर। कश्तियां तो यूं भी जलानी पड़ती हैं मेरी जान, हम सफर चाहे अजनबी हो चाहे अपना हो, इधर देखो मेरी जान, हमारे फैसले पे भरोसा नहीं तुम्हें, बेटी के वालदैन हमेशा उस पुलसरात पर सफर करते हैं जिसकी एक तरफ आग होती है और दूसरी तरफ पानी, वो बस इसी फैसले की कश्मकश में जीते मरते रहते हैं कि किस तरह की जिंदगी में उनकी बेटी को कम तकलीफ हो, वरना सच पूछो तो बेटी की जिंदगी होती आग और पानी का खेल है, इसी आग में जलकर वो कुंदन बनती है और इसी पानी में डूबकर किनारा बनती है। देख लेना, आज जिस जिंदगी से तुम खौफजदा हो, कल यही जिंदगी तुम्हारे लिए सब कुछ होगी, तुम इसमें इतनी मगन हो जाओगी कि पलट कर देखना याद भी नहीं रहेगा, और मेरा दिल कहता है कि एक जमाना मेरी बेटी की किस्मत पर रश करेगा। Thank you.
अच्छा तो ये हो रहा है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है जनाब, ऐसी ही बात है। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। क्या मतलब? मतलब मैं बताऊंगी? मतलब तो आपके दिल में छुपा है जनाब। प्लीज नादिया, मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। क्या हुआ आपको? अब खुश तो है ना आपा? पता नहीं, मुझे लगता है नादिया जैसे ये तस्वीर मुझे रास्ते में पड़ी हुई मिल गई है, और अब ये सब लोग कह रहे हैं कि ये मेरा होने वाला शौहर है। ये तस्वीर अमेरिका से आई है शमाइल आपा, और कमाल है आप सिर्फ लव शौहर पे इतना गौर और फिक्र कर रही हैं। जरा अमेरिका के बारे में सोचें आपा, जरा अमेरिका के बारे में सोचें। अरे यहाँ तो ख्वाब में भी अमेरिका का वीजा नहीं मिलता, और आपको तो बैठे बिठाए अमेरिकन नेशनलिटी रखने वाला शौहर मिल गया, और वो भी डॉक्टर, डॉलर्स कमाने वाला डॉक्टर। कुछ अंदाजा है माय डियर सिस्टर कितने बाबरकत होते हैं ये अमेरिकन डॉलर्स। ओफ, वैसे इसे कहते हैं लॉटरी। थोड़ी सी एड मुझे भी भिजवाती रहिएगा प्लीज, मेरी ये थर्ड वर्ल्ड जैसी जिंदगी ना कदरे सवर जाएगी। सजापा, अगर आपको ये शादी मंजूर नहीं है ना, तो मैं बैठ जाती हूँ आपकी जगह पे। पको मत, लाओ इधर। देखा आपकी नीयत बदल गई ना। सो जाओ आप। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं। वुड यू लाइक टू हैव अ ड्रिंक? पानी थोड़ा सा। थैंक यू। यू आर वेलकम। Thank you.
मेरे ख्याल में नंबर मिलाना चाहिए, टाइम हो गया जी। बिस्मिल्लाह कीजिए, आप मेरा ये नंबर प्लीज प्लीज। खामोश हो जाए, निकाह का वक्त हो रहा है। चाहिए? हो सकता है ऐसा, अमरीका दूर भी तो बहुत है। ये भी तो हो सकता है उनका फोन ही खराब हो। ना करें। रिंग जा रही है। रिंग तो जा रही है लेकिन उठा को नहीं रहा। नहीं मुझे दीजिए, मैं ट्राई करता हूँ। आवाज आ रही है ना तुम्हें? बेटा हम तो बड़ी देर से ट्राई कर रहे थे, पहले एंगेज मिल रहा था और फिर हाँ ऐसा तो होता। तो तुम तैयार हो ना? हाँ सब है यहाँ पे, तुम्हारी बहन भी है, बहनोई भी है, बल्कि वो तो हमसे ज्यादा परेशान हो रहे थे। लो बात करो अपने बहनोई साहब से। हेलो अमा, कहाँ रह गए थे दूल्हा मियाँ? हाँ भाई इस तरह तो होता है, इस तरह कामों में है? हाँ अच्छा ये बताओ, तैयार हो ना निकाह के लिए? अच्छा लीजिए मौलवी साहब, बिस्मिल्लाह कीजिए। अनीस हुसैन बोल दी, जारू हुसैन जी, बिस्मिल्लाह। मैं आपको निकाह कबूल कराता हूं। आपको शमाइल रजा, दुख्तर नासर रजा, बाइब्स मबलग 1,00,000 रुपए हक मेर इंदर तलब अपने निकाह में कबूल है? खाना खाती है ना? चलो शाबाश, ये निवाला पापा के नाम का, देखे मेरी बेटी पापा से कितना प्यार करती है।
पापा से प्यार नहीं करती है? आपने तो इसे खामखा सर चढ़ा रखा है, ऐसे खातिर मदारत करते हैं जैसे। यार मेहमानों की खातिर मदारत करनी ही चाहिए, जो मेहमान जितना ज्यादा अजीज होता ना उसको उतना ही सर पर चढ़ाया जाता। पापा मुझे मेहमान क्यों कहते हैं? बेटे जब तुम बड़ी होगी ना तो तुम पता चल जाएगा। चलो अब शाबाश करो, मेहमान ज्यादा नखरा नहीं किया करते। शाबाश शाबाश शाबाश। एक्सक्यूज मी, आपने खाना नहीं खाया? मुझे भूख नहीं है। आप कुछ और लेना पसंद करेंगे? नहीं थैंक यू, आप ही ले जाइए। आना ही होता है और आना भी चाहिए। वो कश्ती ही क्या जो समंदर में ना उतरे, जिस पर आने वाली नस्लें अपना सफर ना तय करें। समंदर के किनारे तो सिर्फ रेत होती है और रेत पर कोई चीज पायदार नहीं बनती। हम तो जैसे सचमुच तुम्हें समंदर में उतार रहे हैं, लेकिन अपने तौर पर हमें अपना यही फैसला सही लगा। हो सकता है तुम्हें तुम्हारी नजर में यह फैसला गलत साबित हो, लेकिन बस हमने तुम्हें अल्लाह के हवाले किया। अगर कुछ गलत साबित हो तो तुम खुद उसे संवारने की कोशिश करो। आप फिक्र मत कीजिए, मेरा भाई न सिर्फ अच्छा शौहर बल्कि वो एक फर्माबरदार शौहर साबित होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, लेकिन मर्द और औरत की फितरत एक ऐसी मिस्ट्री है जो सिर्फ मियां बीवी के दरमियान ही खुलती। चले अब फ्लाइट का वक्त हो रहा है।
अनीस बहुत अच्छा है। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरा भाई है, वो सचमुच बहुत अच्छा है। आप शुमाइल हैं? जी जी। डॉक्टर अनीस हुसैन की मेहमान? हाँ जी। दरअसल वो किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपको घर तक ड्रॉप कर दूं। सो आई हैव अ कार, आई कैन ड्रॉप यू एट होम। प्लीज कम हियर, इधर आइए। से कनेक्टिंग फ्लाइट पे वॉशिंगटन आई है, आप तो बहुत थक गई होंगी। डॉक्टर साहब खुद क्यों नहीं आए? डॉक्टर साहब छुट्टी का दिन कसीनो में गुजारते हैं, वो जितने बड़े डॉक्टर हैं उससे भी बड़े गैम्बलर हैं। जाते वक्त आपकी तस्वीर और चाबियां मुझे दे गए थे, कह रहे थे कि मेरी मेहमान पाकिस्तान से आ रही है, उन्हें घर पहुंचा दें। तक वापस आएंगे? कुछ कह नहीं सकता, वो अटलांटिक सिटी गए हुए हैं, वहां लोग जाते अपनी मर्जी से हैं और आते किस्मत की मर्जी से। अटलांटिक सिटी कितनी दूर है यहां से? अटलांटिक सिटी वो यहां से न्यूयॉर्क बाय एयर गए और वहां से कोई 2-2.5 घंटे की ड्राइव है। इतनी दूर? देखें, गैम्बलिंग के लिए तो लोग इससे भी